बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोढ़ी आप देखना शुरू कर चुके हैं बेड़गाड़ पीपल्स वॉइस। लगातार आप लोगों को पता है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह के अंदर 525 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की खबरें सामने आई थी, क्योंकि अकेले सहारनपुर के अंदर पुलिस ने 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद 25 लोगों पर और मुकदमा दर्ज किया था। और आज एक बड़ी खबर और सामने आ रही है कि 125 लोगों पर और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताने की कोशिश करें तो भीम आर्मी जो कि चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से लगातार सोशल जो डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के काल के दौरान ही अपनी पार्टी के प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करने के मामले को लेकर पुलिस इन पर मुकदमा दर्ज करवा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद पर पहले 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था सहारनपुर में, क्योंकि सहारनपुर में उन्होंने कार्यालय खोला था। कार्यालय उद्घाटन के दौरान उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग थे, पुलिस का ऐसा कहना, और उस मामले में 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर पुलिस ने 25 लोगों पर जो है 25 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, करीब 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। अगर और आज एक बड़ी खबर हो रहा है उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड के अंदर आपको बताने की कोशिश करें तो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मैक सिंह सहित कुल मिलाकर 125 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर लिया है। और मुकदमा दर्ज करने की वजह यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। धरना प्रदर्शन के अंदर इन लोगों ने शारीरिक दूरी बिल्कुल भी बनाकर नहीं रखी, और भीड़ भाड़ का एकत्रित करने के मामले में मैक सिंह सहित तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस की संदर्भ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार SC ST के एक मामले और अत्याचार के मामलों को लेकर भीम आर्मी ने आप लोगों को पता है कि मुकदमा आंदोलन किया था, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। और आपको बताने की कोशिश करूं तो इस मामले के अंदर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से 125 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो नामजद हैं, और अन्य लोगों की भी पुलिस जांच करके उन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस ने 125 लोगों को इस मामले के अंदर आपको बता दें कि आरोपी बनाया। इधर आपको बता दें कि देखने की कोशिश करें तो लगातार भीम आर्मी के करीब 700 लोगों पर केवल 20-25 दिन के अंदर ही मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।